दोस्तों, स्वस्थ रहने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे, आपके जीवन में खुशहाली हरियाली बनी रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, जो बिल्कुल सच है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आपके पास रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है। लेकिन आप इस नियम को अपना करके, इस टिप्स को अपना करके आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयवाला जी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पे पहली बार है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला, आप सूरज उगने से पहले आप जग जाएं। सूर्योदय होने से पहले जो जग जाते हैं, उठ जाते हैं, अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्योदय होने के बाद तक सोते रहते हैं, उनके जीवन में हमेशा अंधेरा बना रहता है। दोस्तों, आप इस टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में खुशहाली हरियाली ला सकते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद आप गर्म पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी पीने से आपके लिवर्स की गंदगी साफ हो जाती है, यहाँ तक कि लिवर में जमा हुआ टॉक्सिन भी डिटॉक्सिफाई होने लगता है। आपके लिवर्स के इंफ्लामेशन कम होने लगते हैं, सूजन भी कम होने लगते हैं, पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। पाचन क्रिया वो क्रिया है जब आप भोजन करते हैं तो लिवर में जाकर के भोजन में से मिनरल्स न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद अब आपके पूरी शक्ति मिलती है, ऊर्जा, इम्यूनिटी और एनर्जेटिक बनाने में मदद करती है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आपकी जिंदगी में हमेशा बीमारियां बनी रहेगी। तो आप आदत डालें, सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी को आप जरूर पिएं। नंबर दो, सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद आप आधे घंटे 30 मिनट के लिए आप समय निकालें। आपके लिए पूरा समय होता है, दुनिया के लिए, सबके लिए समय होता है। अपने बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए आपके पास समय ही समय होता है। लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ समय होनी चाहिए, जो 30 मिनट आप समय निकालें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी सोती हुई अंग हमेशा जगी रहेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। आपका लिवर ठीक से कार्य कर पाएगा, आपका हार्ट ठीक से कार्य कर पाएगा, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सही रूप से कर पाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी संबंधित समस्याएं नहीं बनी रहेगी। अनिद्रा की समस्या से आप दूर रहेंगे, बाल गिरने की समस्या से भी आप दूर रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसके लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें, अपनी दिनचर्या में 30 मिनट का समय जरूर निकालें। नंबर तीन, आप अपने भोजन में हरी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हरी और पत्तेदार सब्जियों को खाएं। हरी और पत्तेदार की सब्जियों को खाने से आपके बॉडी में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बनी रहती है और आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है और तरह तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, रोगों से बचाती है। हमारा सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, वो सिस्टम होता है जो बाहरी बीमारियों को अटैक होने से बचाती है। अगर शरीर में कोई बीमारियां हो जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम से वो ऑटोमेटिक दूर होने लगता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां होती है, कोई दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो दवाओं के प्रभाव को वो बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी लाभ मिलने लगते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियों को आप अपने भोजन में शामिल करें। नंबर फोर, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। हाँ, खाना खाने के दौरान आप हल्के फुल्के पानी पी सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद आप भर पेट पानी पिए। आपके बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहेगी, डिहाइड्रेशन की क्रिया नहीं होगी, आपका भोजन डाइजेस्ट सही रूप से हो पाएगा। जब भोजन पचेगा तो आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी बनी रहेगी। पानी की मात्रा को बनाए रखें। नंबर फाइव, आप जो भोजन करते हैं उसमें हरे और पत्तेदार सब्जियों को तो शामिल करते हैं, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, तेल मसाला का प्रयोग करने से बचें। ज्यादा तेल मसाला खाने से आपका लिवर्स का पाचन क्रिया खराब हो जाता है और आपकी ऊर्जा की कमी होने लगती है। आप जो भी भोजन करते हैं, पचने का क्रिया कम हो जाता है, उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। दोस्तों,
और कब्ज गैस एसिडिटी की समस्याएं बनने लगती है, जिससे आप वीक कमजोर महसूस होने लगते हैं। त्वचा पर स्किन एलर्जी की समस्याएं भी बनने लगती है। आप भोजन तो करते हैं, सही टाइम पे करते हैं, लेकिन आपका भोजन का पूरा लाभ प्रॉफिट फायदा नहीं मिल पाता है। भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट आपके बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। इसके लिए जंक फूड फास्ट फूड का सेवन करने से बचें। नंबर 6, आप शाम का खाना जल्दी खाएं, 6 से 7 बजे तक आप खा लें। इसके लिए आप अगर 6 से 7 बजे खाते हैं तो आपका भोजन सही रूप से डाइजेस्ट हो पाएगा। नंबर 7, आप जल्दी सो जाएं। अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं, एनर्जी संबंधी समस्याएं, अनिद्रा संबंधी समस्याएं नहीं होगी, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, और भी अन्य हेल्थ टिप्स को अपनाएं, जैसे फलों को आप अपने आहार में शामिल करें, दूध को शामिल करें, ड्राई फ्रूट काजू पिस्ता बादाम को आप अपने भोजन में शामिल करें। आप अपने आप को एनर्जी बनाए रखने के लिए आप पानी बीच बीच में पीते रहें, पानी की कमी ना होने दें। अगर आप एक जगह पे बैठे रहते हैं, बैठे रहने वाले काम है, चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो आधे घंटे एक घंटे पर आप थोड़ा सा उठ करके 1-2 मिनट के लिए जरूर टहलें। इससे आपका शरीर का सिस्टम सही रूप से एक्टिव रहेगा, किसी खास शरीर के ऑर्गन पर, अंग पर विशेष बल और भार नहीं पड़ेगा, आपकी शरीर की सभी सिस्टम सही रूप से कार्य कर पाएगी। दोस्तों, आज मैंने बताया हेल्दी रहने के कुछ टिप्स नियम आप अपने जीवन में उतारें। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक दें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।